श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा की समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व की समिति को ही पुनः दायित्व दिए जाने पर सहमति जताई गई। आपको बता दें कि मथुरा शहर के चौबियापाड़ा क्षेत्र के गताश्रम टीला में शुक्रवार को श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा की एक बैठक आयोजित की गई। वर्तमान समिति के समयावधि पूर्ण होने के चलते आयोजित की गई इस बैठक में त्रिवार्षिक चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा चुनाव संबंधी चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से वर्तमान कार्यकारिणी को ही एक बार फिर से जिम्मेदारी दिए जाने पर सहमति जताई गई। अगली कला का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है, मथुरा कलाकारों का घराना रहा है, सभी प्रकार की कलाओं का ये घराना है। इस भारत देश में, इस कृष्ण की जन्मभूमि में, यहाँ से रामलीला का प्रचार और प्रसार मानव जाति के लिए एक संदेश देता है। यहाँ की जो रामलीला मंडलियाँ हैं वो व्यवसायी नहीं हैं, उनका उद्देश्य संस्कृति का विस्तार करना और उपदेश करना और मानवता की जागृति करना विशेष रहा है। यही विचार आज की सभा में रखे गए और उनमें आगे के लिए काम करने के लिए और निर्णय लिए गए, ताकि मथुरा ने जो सेवा की है इस देश की, वह देश के साथ विदेश में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार करें, प्रसार करें। ये इनका प्रमुख उद्देश्य है, व्यवसाय इनका उद्देश्य नहीं है। चुनाव के निर्णय में वह बड़ी सुखद बात यह है कि सर्वसम्मति से सभी सभा ने जो पहले पदाधिकारी थे उनको दोबारा सर्वसम्मति से उनका चयन कर लिया। जिस पर चुनाव समिति के द्वारा पूर्व की कमेटी को ही एक बार फिर 3 वर्ष के लिए जिम्मेदारी दिए जाने की घोषणा की गई, जिसका उपस्थित सही पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने स्वागत भी किया। सर्वसम्मति के साथ लिए गए इस निर्णय के बाद एक बार फिर से श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बैजनाथ चतुर्वेदी, महामंत्री कमल चतुर्वेदी और कोषाध्यक्ष पद पर नीरज चतुर्वेदी को फिर जिम्मेदारी मिलने पर उपस्थित सदस्यों ने बधाई दी और उनका पटुका पहनाकर स्वागत किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति पदाधिकारियों ने बताया, चतुर्वेदी रामलीला महासभा की एक समन्वयक बैठक बुलाई गई, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, तो इसमें सभी सदस्यों की सहमति से इसी कमेटी को, जो बैजनाथ चतुर्वेदी जी वर्तमान में अध्यक्ष थे, उन्हें ही उसी के निर्देशन में द्वारा कमेटी गठित की गई और एक यहाँ आम सभा डॉक्टर कृष्णनाथ जी की चतुर्वेदी के सानिध्य में आहूत की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया इसी कमेटी को दोबारा बनाया गया। क्या इस निर्णय का किसी रामलीला संचालक के द्वारा विरोध भी किया गया? नहीं नहीं, किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया, सभी ने अपनी सहमति प्रकट की है, क्योंकि रामलीला सभा ने अपने 3 साल के कार्यकाल में अच्छा कार्य किया है, सभी उससे संतुष्ट हैं, इसी वजह से इसी कमेटी को सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय दे दिया है। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष महामंत्री के पद पर अब कौन बने रहेंगे? अध्यक्ष के पद पर श्री बैजनाथ जी चतुर्वेदी, महामंत्री के पद पर श्री कमल चतुर्वेदी और कोषाध्यक्ष के पद पर श्री नीरज जी चतुर्वेदी बनाए गए हैं। आज चतुर्वेदी रामलीला महासभा की एक बैठक गुरु कृपा रामलीला संस्थान के कार्यालय पर समन्वय समिति की मीटिंग के रूप में डॉक्टर कृष्णनाथ जी की अध्यक्षता में तथा हमारी संस्था के दोनों चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी श्री नंदलाल जी मोहल्लेदार और सहायक चुनाव अधिकारी यज्ञदत्त जी के समक्ष सानिध्य में जो है संपन्न हुई है, जिसमें सर्वसम्मति से आज यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि संस्था को अपना कार्य करते हुए 3 साल पूरे हो चुके थे और उन्हें चुनाव होना था, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव की व्यवस्था 3 साल के लिए है, तो इसी संबंध में पूरे हाउस ने सर्वसम्मति से उसी कमेटी को जो पूर्व में थी आगामी 3 वर्ष के लिए चयनित किया है। डॉक्टर कृष्णनाथ जी को इस कमेटी ने संरक्षक पद पर
स्वीकृति प्रदान ली है उनकी, उन्होंने इसमें अपनी स्वीकृति दे दी है। तो आज यहाँ पर श्री चतुर्विध महिला महासभा के त्रैवार्षिक चुनाव, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, आज यहाँ चुनाव अधिकारी के द्वारा उन्हें सभी हाउस जो सदस्य बैठे हुए थे उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया, उन्हें इसी सभा को दोबारा से चांस दिया जाए, दोबारा कार्यकाल पूरा करने का मौका दिया जाए। हमारे चुनाव अधिकारी के द्वारा समन्वय समिति की मीटिंग बुलाई गई थी आज, तो जो सभा में सब सदस्य महासभा के बैठे हुए थे उन सभा ने एक स्वर में यही निर्णय लिया कि इसी समिति को दोबारा से कार्यकाल पूरा करने का मौका दिया जाए।